Hello everyone, I am Aman, welcomes you again in Arya Photon Foundation, and today we are going to discuss about a relation from 11th class, and this topic consists in both classes 11th and 12th. So, today we will talk about relation and we will cover 11th and 12th dono ka cover up karenge. Basic bhi karenge, types bhi karenge, dono classes ka relation hum cover up karenge 11th class mein hi, aur iske types ke bare mein discuss karenge, aur kis tarah ke questions exam mein aate hain सभी क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके सीबीएसई एग्जाम्स के लिए. कंपटीशन में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं. इसका यूज हो सकता है फंक्शन के अंदर. फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो हम आज सीबीएसई टाइप के जो भी क्वेश्चंस है, रिलेशन जिन भी क्वेश्चंस को कवर अप करता है, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. इसके टाइप्स, बेसिक सब चीजों के बारे में बात करने वाले. तो आर यू रेडी, लेट्स स्टार्ट. रिलेशन, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. आपने लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी. दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, इन विच ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेकेंड सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट है, कोई भी ए और बी, तो ए क्रॉस बी, जिसके अंदर क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर थे. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से. आज हम करने वाले रिलेशन, तो रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है. तो कंफर्म है ये चीज, तो कि इसके अंदर भी क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर. ये भी दो सेट पे रहेगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, सबसेट है. तो रिलेशन भी दो सेट पे ही रहेगा और उसमें भी क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. बट अलग क्या है, ये सबसेट है इसका. सबसेट मींस एक और कंडीशन को फॉलो करेगा, एक और सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएगा. तो दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है हमारा रिलेशन, वो उसका सबसेट है एंड follows a certain condition, follows a certain condition. दोबारा समझते हैं इस चीज को कि रिलेशन भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है. मींस इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर है, बट ये नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह सारे ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे. नहीं, कौन से ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे, जो एक सर्टेन कंडीशन को, जो एक सर्टेन रिलेशन की कंडीशन को, मींस रिलेशन को फॉलो करते होंगे, वही रिलेशन के अंदर जाएंगे. जनरल नोटेशन जो रिलेशन की रहती है वो आर से लेते हैं. वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, आर रिलेशन ले सकते हो, एस रिलेशन ले सकते हो, टी बी एन रिलेशन ले सकते हो, तो कोई भी रह सकता है रिलेशन. जनरली मैं डिनोट करूंगा आर से. वैसे आप डिफाइन कर सकते हो, कोई भी रिलेशन का नाम रख सकते हो आप जनरली. तो चलिए बात करते हैं रिलेशन के बारे में. तो रिलेशन क्या रहेगा हमारा, आर रिलेशन क्या रहेगा, इसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से. अब हमने डिफाइन नहीं किया कि फर्स्ट सेट कौन है और सेकंड सेट कौन है, तो आप सबसे पहले आर रिलेशन को लिखेंगे तो डेफिनेशन के अंदर ही ऐड करेंगे इस चीज को कि आर रिलेशन है, दो सेट पे है, ए और बी. तो ए टू बी है या बी टू ए है, ए की कंडीशन बी के साथ चेक करेंगे या बी की ए के साथ. तो आर रिलेशन अगर हमारा ए टू बी है तो हम ये लिखेंगे कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, दो सेट पे ही रहेगा क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. तो फर्स्ट सेट कौन रहेगा हमारा, A, एंड सेकंड सेट B. अब देखिए, अब इस कंडीशन पे आते हैं कि R रिलेशन क्या है, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे ए बी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से. यहां पे आपको मिलेगी एक कंडीशन जिसको हम रिलेशन की कंडीशन बोलते हैं, जिसको हम सर्टेन कंडीशन कह रहे हैं, जिसको सर्टेन रूल कह रहे हैं. जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएगा. फॉर एग्जांपल हम बात कर दें, जैसे किसी ने ये कहा कि ए सेट है 1 2 5, कोई अनदर सेट है बी 3 7 या 3 5. आर रिलेशन आपको गिवन है कि आर रिलेशन है ए टू बी
एंड डिफाइंड एज, डिफाइन किया गया है रिलेशन को कि ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड कंडीशन आपको गिवन मिल जाती है ए इज लेस देन बी। तो इस तरह से ये तो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। इसके साथ आपको कोई कंडीशन मिलेगी जिसको रिलेशन की कंडीशन बोलेंगे हम, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वही रिलेशन में जाएगा। तो कंडीशन यहां पे क्या है हमारी, ए इज लेस देन बी मींस जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से क्या रहेगा, लेस रहेगा, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रहेगा। ये जो जनरल कंडीशन है हमारी, इसको अगर हम ना भी लिखे रिलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन पे, बिकॉज अगर आपने ऊपर ये लिखा है कि R is such that A to B, तो it is understanding concept that first element from A and second from B, तो आप सिर्फ कंडीशन लिखे तो भी रिलेशन डिफाइंड रहेगा हमारा। तो चलिए अब जब रिलेशन हमारा है कोई, तो उसको लिखने के तीन तरीके हैं। सबसे फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने लिखा है, सेकंड रोस्टर फॉर्म जो हमने सेट में की थी कि रोस्टर फॉर्म क्या है, व्हेन वी लिस्ट एवरी एलिमेंट, और रिलेशन के एलिमेंट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। सो इफ वी लिस्ट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एनी रिलेशन देन इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ये हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और अब हम लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन में वो सब ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इससे लेना है, सेकंड इससे, कि फर्स्ट एलिमेंट कंडीशन क्या है, लेस देन सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट से हम लेते हैं वन, वन सेकंड के किस एलिमेंट से लेस है, वन थ्री से लेस है, यस है तो रिलेशन में जाएगा, वन फाइव से लेस है तो रिलेशन में जाएगा। फिर लेते टू, टू थ्री से लेस है, यस जाएगा रिलेशन में, टू फाइव से, यस जाएगा रिलेशन में। फिर फाइव थ्री से लेस नहीं है, फाइव फाइव से लेस नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। अब आप नोटिस करेंगे कि इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी, तो ऑर्डर्ड पेयर स्टार्ट कीजिए वन थ्री, फिर वन फाइव, फिर टू थ्री, फिर टू फाइव, फिर फाइव थ्री, फिर फाइव फाइव, ये हमारी रहेगी ए क्रॉस बी। तो आप चेक कर सकते हो कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस ये सेट इस सेट का सबसेट है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट इन ए क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन को लिखने की सेकेंड टाइप हमने सीख ली है, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप रहेगी हमारी जिसको हम वेन डायग्राम बोलते थे, इसमें बोलते हैं उसको एरो डायग्राम। आप एरो डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हो। आर रिलेशन है दो सेट पे, ये सेट ए है, ये सेट बी है। आर रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि ए टू बी है, ए के अंदर हमारे वन टू फाइव एंड बी के अंदर है थ्री एंड फाइव। वन का रिलेशन किसके साथ है, थ्री एंड फाइव। टू का रिलेशन थ्री एंड फाइव। फाइव का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। ये है थर्ड फॉर्म हमारी एरो डायग्राम। अब इसके बाद फोर्थ फॉर्म, एक और फॉर्म के अंदर हम रिलेशन को लिख सकते हैं। रिलेशन को लिखने की कितने टाइप सीख चुके हैं हम, तीन, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एरो डायग्राम। इसके बाद सिंपल वर्डिंग के अंदर भी रिलेशन को लिखा जाता है। जैसे अगर मैं इसी रिलेशन को लिखूं तो हम बोलेंगे आर इज ए रिलेशन लेस देन, इस तरीके से भी रिलेशन को लिखा जा सकता है सिंपल वर्डिंग के अंदर कि आर रिलेशन है लेस देन ए टू बी, मींस ए इज लेस देन बी। तो ये रही, यही रिलेशन है हमारा। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली मेंबर्स हैं और रिलेशन करते हैं फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। मान लीजिए आपकी फैमिली में दो जनरेशन है या तीन जनरेशन है, तो सेकंड टू थर्ड जनरेशन या फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन आप रिलेशन करते हो टालर देन, मींस फर्स्ट जनरेशन इज टालर देन सेकंड। आपकी हाइट अगर आपके पापा से लंबी है तो आपका आपके पापा के साथ रिलेशन है। इस तरीके से आप सिंपल वर्डिंग के अंदर भी रिलेशन को ले सकते हैं। तो चार टाइप से हम रिलेशन को राइट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं।
फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड रोस्टर फॉर्म, थर्ड एरो डायग्राम एंड फोर्थ सिंपल वर्डिंग के अंदर। तो ये थी हमारी रिलेशन की डेफिनेशन और उसको लिखने का तरीका कि किस तरीके से आप रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो एक टाइप तो हम पहले ही कर चुके हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या रहेगा यूनिवर्सल रिलेशन? व्हेन रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब हम बात करते हैं अगर कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट जाए ना, तो जैसे सेट की डेफिनेशन थी हमारी, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उस एलिमेंट उस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। तो इसी तरह अगर किसी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, मींस नल रिलेशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी बेसिक टाइप्स। अब कोई रिलेशन आपको गिवन है, आर इज ए रिलेशन, कोई भी रिलेशन है आपके पास गिवन है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है, जैसे अभी अभी हमने रिलेशन बनाया था, मान लेते रिलेशन है 1 3 2 3 3 5 4 5, ये कोई रिलेशन है हमारा ए टू बी। ए सेट के अंदर है हमारे 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर है हमारे 3 5 1, ये कोई रिलेशन है हमारा। अब इस रिलेशन में आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो क्या रहेगी कि वन का रिलेशन किसके साथ है? थ्री के साथ। अब इसको डिनोट करने के भी तीन मेथड है हमारे पास कि वन इज रिलेटेड विद ए थ्री। तो सबसे फर्स्ट नोटेशन है ये, वन इज रिलेटेड विद थ्री। तो इसका मीनिंग है कि एक का रिलेशन किसके साथ है? तीन के साथ। सेकेंड टाइप रहेगी 1 3 बिलोंग्स टू आर, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। मैं अपनी जो मेरा मेथड है मैं उस मेथड से इस मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को करवाऊंगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए इज रिलेटेड विद बी। तो मैं बार बार ये नोटेशन यूज करूंगा तो आप इस चीज को समझ लेना कि क्या मीनिंग क्या है इसका कि 1 3 बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है कि 1 और 3 का रिलेशन है, कि एक का रिलेशन किसके साथ है? तीन के साथ है। चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जो बेसिक क्वेश्चंस है जो 11th क्लास में आते हैं हमारे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, आर इज ए रिलेशन एंड टू एन डिफाइंड बाई ए बी ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे सच दैट ए प्लस 3b इक्वल टू 12 एंड ए बी बोथ बिलोंग्स टू एन। ये कोई हमारा रिलेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया था एन डिनोट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड इंटीजर्स और आई बी इंटीजर्स, क्यू रैशनल नंबर्स, आर रियल नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए हम बात करते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट पे है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो हमें निकालना है रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो हम बात कर रहे हैं हमारे पास गिवन में है कोई रिलेशन, डिफाइन किया गया है कि ए बी एलिमेंट रिलेशन में जाएंगे इफ ए प्लस 3b इक्वल टू 12, यानी कंडीशन रिलेशन की हमारे पास ये है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही रिलेशन में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट कौन है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? वन से। तो वन से स्टार्ट कीजिए, व्हेन फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। व्हेन ए इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू आप चेक कीजिए, यहां से ए की वैल्यू 1 रखेंगे, 3b इज इक्वल टू 12 माइनस ए, मींस बी इज इक्वल टू 12 माइनस ए बाय 3। चलिए स्टार्ट करते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या रहेगी? ए की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहां पे, 12 माइनस 1 11 बाय 3। तो आप चेक कीजिए क्या ए का रिलेशन बी के साथ है। अब आप देखेंगे कि ए और बी दोनों ही, फर्स्ट भी फर्स्ट से रहेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड, और दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। तो आप चेक कीजिए क्या बी नेचुरल नंबर है, हमारे सेट में ही नहीं है 11 बाई 3, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू एन, हेंस ए का रिलेशन बी के साथ यहां पे नहीं है। सेकंड ऐसे स्टार्ट करते रहेंगे, ए इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? बी की ए की जगह 2 रखेंगे तो 10 बाय 3, ए की जगह क्या रखेंगे? 2, 10 बाय 3,
दैट डज नॉट बिलोंग्स टू एन. सिमिलर ए इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 3 9 बाय 3 3. अब की बार नेचुरल नंबर में है तो 3 का रिलेशन किसके साथ रहेगा, 3 के साथ, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अगर हम ए की जगह 3 रखें, बी की जगह 3, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी 12. तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा रोस्टर फॉर्म में जाएगा, 3 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ. सिमिलर 4 रखेंगे 8 बाय 3 नहीं है, 5 रखेंगे 7 बाय 3 नहीं है, 6 रखेंगे 6 बाय 3. अगर ए को 6 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या है 2, तो 6 का रिलेशन किसके साथ रहेगा, 2 के साथ. सिमिलरली ए को 7 रखते हैं 5 बाय 3 नहीं है नेचुरल नंबर, 8 रखते हैं 4 बाय 3 नहीं है, 9 रखते हैं 3 बाय 3 यस 1, 9 पे क्या रहेगी वैल्यू 1. 10 रखते हैं नहीं है, 11 रखते हैं 1 बाय 3 नहीं है, 12 रखते हैं 0 बाय 3 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है. अब इससे आगे जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूं ए की जगह, अगर मैं 13 रखता हूं तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाते हैं. वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 12, जैसे स्टार्ट करता हूं तो वैल्यू कैसी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव. बट नेगेटिव तो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते, तो आगे रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सबको पता है कि ए की वैल्यू अगर 12 से ग्रेटर है तो क्या रहेगा, नेगेटिव. तो 12 से आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है. तो ये केवल और केवल ए की 3 वैल्यूज है जो बी के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो वो क्या है 3 3 6 2 एंड 9 1. That is our relation. 3 का relation 3 के साथ, 6 का 2 के साथ, 9 का 1 के साथ. तो इस तरीके से आप relation बना सकते हो. अगर arrow diagram देखेंगे तो आपको अभी मैंने समझाया था कि arrow diagram कैसे आएगा. इसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन चीज relation में जो रहेगी. आपके पास कोई भी relation है, ये ordered pair relation में A and B, तो that A is called domain of relation. A is called डोमेन ऑफ रिलेशन एंड दैट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन. रेंज ऑफ रिलेशन, ए को कहेंगे हम डोमेन ऑफ रिलेशन और बी को कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन. जैसे अभी अभी हमारा रिलेशन आया था, क्या आया था हमारा रिलेशन, 3 का किसके साथ था, ए को वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या थी 3, 6 पे क्या था 2 और 9 पे क्या था हमारा 1. ये हमारा रिलेशन था, अभी अभी हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन. तो इस फंक्शन की जो, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो हमारी क्या रहेगी 3 6 9. एंड द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, दैट इज इक्वल टू रेंज. तो इस रिलेशन की जो हमारी रेंज रहेगी 3 2 एंड 1, तो ये रहेगी हमारी रेंज. तो डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, डोमेन द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज डोमेन एंड द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज रेंज. और एक और चीज, जब हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो वन, जैसे 3 का रिलेशन किसके साथ है 3, 6 का किसके साथ है 2, 9 का किसके साथ है 1. तो इसको बोलते हैं 9 की इमेज क्या है 1. जैसे ये है ए बी, तो ए की इमेज क्या होती है बी, और बी की प्री इमेज क्या बोलते हैं ए. तो ये ए की इमेज होती है, और उल्टा देखिए तो ये प्री इमेज होती है, दैट इज प्री इमेज ऑफ ए. बी की प्री इमेज क्या है ए, की इमेज क्या है बी. जैसे यहां से बोले कोई पूछे 9 की इमेज क्या है तो 1, 2 की प्री इमेज क्या है, 2 की प्री इमेज क्या है 6, तो ए इमेज प्री इमेज. तो 3 चीजें और सीखी हमने, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, इमेज एंड प्री इमेज. अब आगे बात करते हैं, इसके बाद हमारी सेकेंड, अगर दो टाइप हम कर चुके, थर्ड टाइप की बात करें तो ये आर रिलेशन है. एक होता है इसके बाद इनवर्स रिलेशन. क्या होता है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स का आपको पता ही है. इनवर्स क्या रहेगा, उल्टा रिलेशन. अगर हम देखें तो आर रिलेशन अगर एन टू एन है तो उल्टा भी क्या है एन टू एन. जैसे आर रिलेशन ए टू बी है तो इनवर्स रिलेशन की जो नोटेशन होती है वो हमारी रहेगी आर इनवर्स. तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा बी टू ए. जैसे इस रिलेशन का अगर हम इनवर्स रिलेशन निकाले, जैसे आर रिलेशन था हमारा क्या है की वैल्यू, सबसे पहले ए की वैल्यू किस पे सेटिस्फाई हुआ था 3 पे, 3 6 पे, 2 9 पे 1. तो अगर हम R इनवर्स निकाले तो क्या रहेगा, 3 की प्रीवेज वापस क्या आएगी 3
2619। तो ये रहेगा हमारा इनवर्स रिलेशन। तीसरे टाइप हमने की इनवर्स रिलेशन। एक और एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक रिलेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा आर रिलेशन है जेड टू जेड। जेड टू जेड मीन्स इंटीजर टू इंटीजर्स, एंड रिलेशन इज डिफाइंड बाय ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए और बी दोनों की वैल्यू कहां से रहेगी? जेड से। तो अब आप रिलेशन को देखेंगे, हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इस रिलेशन की एरो डायग्राम बनाना है हमें। एरो डायग्राम बनाने के बाद हमें इसकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन का सेट है वो क्या है? डोमेन और रेंज जहां से रहेंगे हमारी वो क्या है? दोनों इंटीजर्स है। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन देखिए आप, सबसे पहले कंडीशन क्या है? स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इंटीजर से स्टार्ट करते हैं, हम आर रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं। इंटीजर्स आपको पता है तो कंप्लीट नंबर हमारे काउंटिंग नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। ए की वैल्यू अगर जीरो रखें तो बी की वैल्यू भी क्या रहेगी? जीरो। ए की वैल्यू अगर हम वन रखें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस माइनस वन। तो वन का रिलेशन वन के साथ भी है और वन का रिलेशन माइनस वन के साथ भी है। सिमिलर अगर टू रखें, ए की वैल्यू टू का स्क्वायर फोर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? फोर। तो बी की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस माइनस टू। टू की इमेज टू भी रहेगी और टू की इमेज माइनस टू भी रहेगी। ऐसे ही रखते जाएंगे हम, थ्री रखेंगे तो प्लस थ्री एंड थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री एंड सो। अब हम नेगेटिव स्टार्ट करते हैं। अगर मैं माइनस वन रखूं एक ही जगह, माइनस वन का स्क्वायर वन, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी? प्लस माइनस वन। तो माइनस वन पे वन भी रहेगा, माइनस वन पे माइनस वन भी रहेगा। सिमिलर अगर मैं माइनस टू रखू तो प्लस टू भी रहेगा और माइनस टू भी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी जो डोमेन है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या है? जीरो वन टू थ्री, रिपीट नहीं करना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सेट की डेफिनेशन को फॉलो करना है आपने, जो सेट की वीडियोस आपने देखी है फर्स्ट चैप्टर की उनको फॉलो करना है। चलिए तो आपने देखा कि जीरो वन टू थ्री एंड सो। सिमिलर नेगेटिव में भी है फर्स्ट एलिमेंट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो। तो आप देख सकते हो ये क्या है सारे हमारे, ये तो सारे कंप्लीट नंबर्स हैं, तो दैट इक्वल टू जेड। सिमिलरली अगर आप रेंज को देखेंगे तो रेंज भी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो, वो भी क्या है? जेड। तो ये आपकी डोमेन और कोडोमेन। तो इस तरीके से आप रिलेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको इजीली कर सकते हो। बेसिक डेफिनेशंस, डोमेन, रेंज टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके जो प्लस वन क्लास में आता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल टाइप्स की जो ट्वेल्थ क्लास के अंदर आते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस उसके इलेवेंथ क्लास में भी होते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? हमने तीन टाइप पहले किए, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। अब बात कर रहे हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे? हमारे पास कोई रिलेशन है आर, ए टू बी, फर्स्ट एलिमेंट हमारे फर्स्ट सेट से होते हैं तो ये हमारी क्या होती है? डोमेन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से करते थे, इसमें हमारी क्या एग्जिस्ट करती है? रेंज। तो किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे? तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? व्हेन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या वर्ड लिखा यहां पे, इनको थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर ऑल, फॉर ऑल का मीनिंग ए बिलोंग्स टू ए। अब ये किसके लिए डिनोट करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। यानी ए सेट के जो फर्स्ट है जहां से डोमेन एग्जिस्ट करती है उसके जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल का मीनिंग क्या है? जितने भी एलिमेंट है, इट सिंप्लाइज क्या होना चाहिए? ए ए बिलोंग्स टू आर। मीनिंग समझने की कोशिश करना।
मान लीजिए कोई आर रिलेशन हमारे पास ए टू बी है, ए सेट हमारे पास 1 2, बी सेट हमारे पास 3 4, 2 3 4 रिलेशन के अंदर हमारे पास है 1 2, 1 1, 2 2, 2 3 एंड 1 3, ये कोई रिलेशन है हमारे पास। हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव जब होता है व्हेन ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर रिलेटेड विद इटसेल्फ। मैं इसको अगर लैंग्वेज में लिखूं, व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट रिलेटेड विद इटसेल्फ, रिलेटेड विद इटसेल्फ, ये इसकी डेफिनेशन है। जब उसके फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, जितने भी एलिमेंट ए उसमें है, इट्स इंप्लाइज ए ए रिलेशन में हो। इसका मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी एड पेयर रिलेशन में इसका मीनिंग क्या है, ए इज रिलेटेड विद ए। तो ए का रिलेशन ए के साथ हो, जैसे यहां पे इसमें एलिमेंट कौन है 1, क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है, है। एलिमेंट कौन है 2, क्या 2 का रिलेशन 2 के साथ है, है। तो सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के खुद के साथ अगर रिलेटेड है तो ही हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो। डन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। किसी भी रिलेशन को हम सेकेंड टाइप की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे, व्हेन फॉर ऑल। फिर से मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब की बार मैं सेट में नहीं गया हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं सेट में गया था फर्स्ट सेट में। अब की बार मैं कहां गया हूं रिलेशन में, कि जितने भी, फॉर ऑल का मीनिंग टोटल सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, इट्स इंप्लाइज होना क्या चाहिए फिर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में थे सबका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर इसको मैं मैथमेटिकल बोलूं तो क्या कहूंगा, इफ ए रिलेटेड विद बी, इफ ए रिलेटेड विद बी, देन होना क्या चाहिए, बी इज ऑल्सो रिलेटेड विद ए। तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो अगर रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ है, आप रिलेशन में जाओगे, रिफ्लेक्सिव के लिए कहां गए थे सेट में, सेट में जो भी एलिमेंट है रिलेशन में उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में कहां जाओगे, रिलेशन में, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। जैसे आइए 1 का रिलेशन या 2 के साथ है तो क्या 2 का रिलेशन 1 के साथ है रिलेशन में, नहीं है। मींस 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है। तो इसीलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर कोई भी रिलेशन को आपने सिमेट्रिक दिखाना है तो जितने भी, फॉर ऑल, अगर आपके पास 1 लाख एलिमेंट है, 99,999 उस चीज को फॉलो करते हैं, बट एक एलिमेंट ऐसा है जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, मींस ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का ए के साथ नहीं है, तो उस रिलेशन को हम कहेंगे दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक। मींस यहाँ पे वर्ड है फॉर ऑल, तो सभी का होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। डन। थर्ड टाइप हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहेंगे, व्हेन फॉर ऑल ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर। व्हेन, जब रिलेशन में आपके पास इस तरह से कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है, व्हेन, जब रिलेशन में इस तरह से कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है कि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का किसी सी के साथ है,
ए का रिलेशन किसी बी के साथ है और बी का किसी और तीसरे सी के साथ है, ए बी बी सी, देन इट्स इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए का भी सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। यानी आपको कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिल जाते हैं ए बी बी सी, जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू, मीन्स ए का रिलेशन बी के साथ, बी का किसी सी के साथ, तो आपका ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। जब ये हो तब आपको ये जरूर होना फोर रूल, जितने भी ऐसे पेयर बनेंगे ए बी बी सी सबके लिए आपको ए सी होना है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव। जैसे यहां ये वन टू, तो टू का किसी और के साथ हो, जैसे यहां आइया सबको चेक करेंगे वन टू टू टू, देखिए ए बी बी सी बन गया, तो वन का भी टू के साथ होना चाहिए, वन टू 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 ए बी बी सी, तो ए का भी सी के साथ ढूंढना है, तो वन टू 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 तो वन का टू के साथ है ये रहा, तो ये तो फॉलो कर गया। अब और कोई देखिए जो टू से स्टार्ट होता है वन टू टू थ्री, तो वन का भी थ्री के साथ ये रहा, अब इसने तो फॉलो किया, सबको चेक करेंगे ऐसे ही वन 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 से स्टार्ट होने वाला और कौन है वन 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 थ्री, वन 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 थ्री, तो वन थ्री है, वन 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 टू है, इसके बाद टू से टू 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 थ्री, तो टू थ्री है, और देखिए टू थ्री थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, फिर वन थ्री थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो दैट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपने ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने कि ए बी बी सी, जहां से ये खत्म होगा वहीं से कोई दूसरा स्टार्ट हो, तो एसी रिलेशन में ढूंढना है। अगर ऐसे है वन टू टू थ्री तभी आपको क्या ढूंढना है एसी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रिलेशन देता हूं आपको, रिलेशन है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एट, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, चेक कीजिए, चेक वेदर इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट कहेंगे यस सर इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, और आधे से जो कम स्टूडेंट है वो कहेंगे नो सर इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने क्वेश्चन को बहुत बार बच्चों के सामने पुट किया है, अप्रोक्सीमेट 40% स्टूडेंट रॉन्ग होते हैं। तो क्या रीजन है, इतना समझने के बाद भी ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, तो आप डेफिनेशन पे आइए। अब आपका आंसर भी आ गया होगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, अब मेरा आंसर सुनो, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। बच्चे ढूंढते हैं वन थ्री, थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, फाइव सेवन, सेवन से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, नाइन एट, एट से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बट मैं कहता हूं मैंने डेफिनेशन क्या दिया पढ़िए उसे, मैं बार बार बोल रहा था वेन, कि जब ए बी बी सी रिलेशन में है, यानी जब ए बी बी सी है तब हमें क्या ढूंढना है ए सी, इसमें तो ए बी बी सी ही नहीं है तो हमें ए सी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन ने क्या कहा था, अगर ए बी बी सी है तभी आपको ए सी ढूंढना है, यानी अगर ए बी बी सी हो तो ए सी होना जरूरी है, तभी उसे ट्रांजिटिव कहेंगे। तो ए बी बी सी नहीं है तो हमें ए सी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसको उल्टा पढ़ लीजिए, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है कोई भी अगर ये कहे, तो उससे एक एग्जाम्पल लीजिए कि क्यों नहीं है, रीजन दे। जैसे कोई मेरे को कहता है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो मैं दे सकता हूं रीजन, टू थ्री रिलेशन में है, थ्री टू नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, ए बी हो तो बी ए बी होना चाहिए, बट इसमें ए बी है, टू थ्री है, थ्री टू नहीं है, तो ऐसे उससे मान लीजिए कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, बताइए भी क्यों नहीं है, अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये तीन टाइप हमने रिलेशन के किए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या करेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर कहां जाएंगे, फर्स्ट सेट में जिसमें से डोमेन होते हैं हमारे, उसका हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट इट्स इंप्लाइज ए ए बिलोंग्स टू आर, तो उसे क्या कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कहां जाना हमें, रिलेशन में, सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो क्या भी होना चाहिए बी ए, ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ, और ट्रांजिटिव में अगर रिलेशन में ए बी बी सी है तो हमें क्या मिलना जरूरी है ए सी, तभी हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। आपने चेक भी किया, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस वजह से, आर इज ए रिलेशन ऑन जेड टू जेड डिफाइंड बाय, ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे सच दैट
ए माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, सारे सेम है, इवन डिविजिबल बाय 2, बात तो वही है, मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं हम, तो a माइनस बी इज इवन, ये कोई रिलेशन है, आर्बिट्रेरी सेट है, यानी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है z, तो हम इसे चेक करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, और क्वेश्चन बाय डेफिनेशन भी हो सकता है कि प्रूव दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट क्या हमारा जेड, इट्स इंप्लाइज ए ए बिलोंग्स टू जेड, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हमारा बाय स्टेटमेंट है, ये बाय डेफिनेशन, यही तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। चेक कीजिए कि जितने भी एलिमेंट जेड में उनका खुद के साथ रिलेशन है, या डायरेक्ट ये बोल दे कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या करेंगे हम, जितने भी एलिमेंट उनका खुद के साथ रिलेशन ये प्रूव करेंगे। अब कितने एलिमेंट आपके पास जेड में, जेड कैसा सेट है, आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, और चेक कीजिए क्या इसका खुद के साथ रिलेशन है ए का ए के साथ, यही तो प्रूव करना है हमें। अब ए का ए के साथ रिलेशन कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रिलेशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारा, इवन। तो आप चेक कीजिए, नाउ लिख के चेक कीजिए क्या इसका खुद के साथ रिलेशन है ए का ए के साथ, तो ए का बी के साथ रिलेशन जब है, जब ए में से बी घटाए तो वो क्या है, इवन, तो खुद के साथ रिलेशन है, तो ए में से ए, ए का ए के साथ रिलेशन चेक कराओ मैं कंडीशन को, कि कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं, अगर इसने फॉलो की तो रिलेशन में जाएगा ए के साथ, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब ए में से सबट्रैक्ट किया, वैल्यू क्या है हमारी, जीरो, बताइए क्या ये इवन है, यस जीरो इज ए इवन नंबर, तो इट्स इंप्लाइज ए ए रिलेशन में है, कंडीशन फॉलो हमारी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, कि किसी भी इंटीजर को आप इंटीजर में उसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज आंसर क्या रहेगा, जीरो, और जीरो एक इवन नंबर होता है, इसीलिए ए ए रिलेशन में जाएगा। मींस हम ए लेके चले थे, हमें ए ए प्रूव करना था, कर दिया हमने, तो आप इस तरीके से कंडीशन चेक करोगे फॉलो करता है या नहीं। सेकंड, सिमेट्रिक, इस रिलेशन को चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक है नहीं, या बाय डेफिनेशन आए तो यह कहेगा प्रूव दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इट सिंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये रही हमारी डेफिनेशन, कि अगर ए बी रिलेशन में है ये लेके चलना, और प्रूव क्या करना है, बी ए रिलेशन में होंगे, ये किसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक की, तो लेट लेके चलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, और अब प्रूव क्या करेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो अब हमें डोमेन में नहीं जाना है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी, क्योंकि गिवन में ही है कंडीशन, तो देखिए आप ए का रिलेशन बी के साथ, हमें इसी से बनाना है कि बी का रिलेशन ए के साथ है। चलिए, अब क्योंकि ए का रिलेशन बी के साथ है तो ये अपने आप ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए बी तो रिलेशन में जब जाएगा, जब ए माइनस बी क्या हो, इवन, तो सेटिस्फाई करवा ये कंडीशन करेगा। अब सोचिए हमें करना क्या है, हमें करना है बी ए, तो ए की जगह बी को लेके आना, बी की जगह ए को। अब सोचिए अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए कैसे बनेगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये इवन है हमारे पास गिवन में। अब मेरे को बताइए टू इवन नंबर है, यस, तो क्या माइनस टू इवन है, यस, फोर इवन है, यस, माइनस फोर इवन है, तो किसी भी नंबर को इवन कब कहते हैं, जब वो डिविजिबल बाय टू हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिविजिबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर टू है तो भी डिविजिबल बाय टू है, माइनस टू है तो भी, तो अगर माइनस बी बाई ए है तो भी डिविजिबल बाय टू है, और अगर बी माइनस ए रहेगा तो भी क्या रहेगा, ये डिविजिबल बाय टू मीन्स इवन, तो अब बी माइनस ए इवन है तो कंडीशन फॉलो है हमारी, फर्स्ट माइनस सेकंड इवन है तो फर्स्ट सेकंड का क्या रहेगा रिलेशन, तो बी का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, हेंस इट इज सिमेट्रिक, सेकंड भी प्रूव है। अब थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या था, फॉर ऑल ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, गिवन में क्या आपके पास ए बी और बी सी रिलेशन में है, इट सिंप्लाइज हमें प्रूव क्या करना है, ए सी बिलोंग्स टू आर, यू हैव टू प्रूव एसी बिलोंग्स टू आर की एसी रिलेशन में, गिवन में क्या है, ए बी और बी सी रिलेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन में क्या है, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग हमारा क्या रहेगा,
एपी और बीसी रिलेशन में है तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, गिवन में है कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ, तो लगाइए इस पे कंडीशन कि ए का बी के साथ है तो ए माइनस बी क्या है हमारा इवन, बी का सी के साथ है तो बी माइनस सी भी क्या है इवन। अब सोचिए करना क्या है, करना है ए सी, ए सी रिलेशन में कब जाएगा जब ए माइनस सी इवन हो, इन दोनों का यूज करके सोचेंगे कि ए माइनस सी कब बन सकता है। अगर आप इनसे सोचे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ए माइनस सी रहेगा, तो अब सोचेंगे क्या दो इवन नंबर को ऐड करने पे इवन ही आएगा, यस ऑलवेज सम ऑफ इवन इज इवन, तो एडिंग बोथ दोनों को क्या कर देंगे एड, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये भी क्या रहेगा इवन, क्योंकि हमें पता है दो इवन का सम इवन ही होता है, बी कैंसल ए माइनस सी इज इवन, तो कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ए सी कहां गए रिलेशन में, बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हो कि ये रिलेशन चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। गिवन सेट पे मैंने पीछे से कहा था 1 2 3 अगर गिवन है और ये आर्बिट्रेरी सेट पे आपको बताया तो आप इस तरह से हर तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से माइंड में पोर्ट्रेट करना है, माइंड में इस तरह से सेट करना है इनको कि ऑलवेज आपको ध्यान दे कि गिवन में क्या और प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले आप इसको नोटबुक में राइट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। और अब लास्ट जो टाइप है हमारी, अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे इस क्वेश्चन ने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, व्हेन इट इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो इस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल आपके पास। तो आज ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था रिलेशन, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको मेरी जो भी वीडियोज हैं उनसे आपको मैथमेटिक्स समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो।